हेलो एवरीवन, आगे हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्वेशन टिकट के बारे में। दोस्तों रिजर्वेशन टिकट क्या होता है कि जब भी हमें यात्रा करनी होती है तब हमें जो है एक रिजर्वेशन टिकट की जरूरत पड़ती है। जो रिजर्वेशन टिकट जो हम लोग दो मेथड से बनवा सकते हैं, एक जो है हमारे पास मेथड होता है ऑनलाइन का और एक मेथड होता है ऑफलाइन का। ऑफलाइन होता है जिसे आप प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है ऑफलाइन टिकट निकलवा सकते हैं, और ऑनलाइन जो होता है IRCTC से जो है आप ऑनलाइन टिकट खुद से निकाल सकते हैं या किसी एजेंट के थ्रू निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट में अंतर क्या होता है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, बट मैंने देखा है कि सभी वीडियोज़ पे एक कॉमन कमेंट मुझे बार बार देखने को मिल रहा है कि मुझसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं, भाई अगर मेरे पास दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ऑनलाइन की फैसिलिटी और ऑफलाइन की फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल हो, तब मैं किस मेथड से टिकट बुकिंग कराऊँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप लोग किस मेथड से जो है टिकट बुकिंग करा सकते हैं। आपके पास अगर दोनों मेथड अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं या ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग और बातें करते हैं कि अगर हमारे पास दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग कौन सा मेथड को चूज करें। चलिए चलते हैं हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टिकट बुकिंग कराने के दो मेथड होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। दोस्तों ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होता है, आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और हम लोग चार पांच टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हमें ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट लेना बेस्ट है या ऑफलाइन टिकट लेना बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइमिंग को लेके। दोस्तों टाइमिंग क्या होता है कि अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं, यानी आप प्लेटफॉर्म पर जाकर टिकट लेते हैं, तो प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने का जो टाइमिंग होता है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है, यानी 12 घंटे का टाइमिंग होता है, जिसमें सैटरडे संडे को छोड़ के सैटरडे संडे को वो टाइमिंग जो है घट जाती है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो है आप टिकट बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर वही टिकट आप ऑनलाइन लेते हैं तो आप दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें आप 23.5 घंटा जो है ऑनलाइन टिकट बनवा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट मोबाइल से ले सकते हैं या किसी एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। उसमें 23.5 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है कि रात में जो है 11:45 से लेकर 12:15 तक जो है साइट बंद रहती है कुछ मेंटेनेंस के कारण से, जिसमें आधा घंटा जो है आप बुकिंग नहीं करा सकते हैं। इसलिए जो एक दिन में आप 23.5 घंटा जो है टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे बड़ा अंतर डिफरेंस यही होता है टाइमिंग का, कि आप जो है ऑनलाइन में 23.5 घंटा टिकट बुकिंग करा सकते हैं, बट ऑफलाइन में जो है आपको प्लेटफॉर्म पे अगर जाकर टिकट बुक कराना है तो आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में जो है टिकट बुक करा सकते हैं। उसमें भी सैटरडे संडे को छोड़कर सैटरडे संडे को जो है 2 बजे दोपहर में जो है काउंटर बंद कर दी जाती है। हाँ तो दोस्तों चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वेटिंग टिकट। दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आपको यात्रा करनी है, जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है, मुझे जुलाई में यात्रा करनी है और यात्रा करना बहुत ही जरूरी है जिस डेट में मैं टिकट ले रहा हूँ। और मान लीजिए हमने टिकट सर्च किया, मुझे मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है, मैंने जिस ट्रेन में टिकट चेक किया उस ट्रेन में वेटिंग है, और मान लीजिए मुझे उस डेट को जो है 100% जाना ही है, चाहे वेटिंग रहे चाहे कुछ भी रहे, तो उस समय आपके पास जो है दो फैसिलिटी तो अवेलेबल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन आप जो है उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑफलाइन को जो है प्रीफर कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर ऑफलाइन में आप स्टेशन से टिकट बुकिंग कराते हैं, आपका टिकट वेटिंग रह जाता है, तो आप जो है उस टिकट की यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी टिकट को ऑनलाइन बुक कराते हैं, वो टिकट जो है अगर आपका वेटिंग में रह जाता है, तो आप उस टिकट पर जो है यात्रा नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि वो टिकट जो है आपका यात्रा के दिन कैंसिल हो जाएगी, और अगर आप उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो आपको ट्रेन के अंदर जो है TTC के द्वारा फाइन लग जाएगा, जहाँ पर आपको जो है फाइन जमा करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको टिकट वेटिंग में लेना है तो आप जो है स्टेशन को चूज कीजिए, आप जाकर जो है ऑफलाइन टिकट लीजिए, ऑनलाइन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन में अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए हम लोग तीसरा टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है कैंसिलेशन चार्ज। दोस्तों होता क्या है कि दोनों ऑप्शन में आपको कैंसिलेशन चार्ज सेम लगता है, ऑनलाइन में लीजिए या ऑफलाइन में लीजिए। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन में एक फैसिलिटी होती है जो हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। मान लीजिए जैसे कि आपने जुलाई मंथ का टिकट लिया, आपने 15 जुलाई का टिकट लिया, लेकिन किसी कारण से आपको 15 जुलाई को सफ़र नहीं करना, आपको जो है 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद जो है सफ़र करना है, आपने ऑफलाइन का टिकट लिया, तो आप ऑफलाइन टिकट में जो है आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप उस टिकट को जो है एक्सटेंड करा सकते हैं, यानी आप उसका जो है डेट एक्सटेंड करा सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी ट्रेन में टिकट लिया, आपका कंफर्म था, आप जाके जो है जिस दिन आपको यात्रा करनी है उससे 2 दिन पहले जो है यानी 24 घंटा पहले जो है आप जाके उस डेट को जो है एक्सटेंड करा सकते हैं, जिस डेट में आपको जाना है उसी ट्रेन में। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि आपका कंफर्म टिकट था, बट आप जिस डेट को ले रहे हैं अगर उस डेट को कंफर्म सीट रहेगी, खाली रहेगी, तो आपको कंफर्म मिलेगा, अगर वेटिंग रहेगी तो वेटिंग मिल जाएगी। लेकिन
ऑनलाइन में ये फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको जो है उस टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फैसिलिटी जो है आपको ऑफलाइन में देखने को मिलती है कि आप जो है डेट को एक्सटेंड करा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। हाँ तो दोस्तों चलिए हम चौथे टॉपिक पे बात करते हैं। चौथा टॉपिक है बोर्डिंग स्टेशन। दोस्तों बोर्डिंग स्टेशन क्या होता है कि आप जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ रहे हैं उस स्टेशन को जो है बोर्डिंग स्टेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, आपने नई दिल्ली का बोर्डिंग स्टेशन चूज कर लिया है, आपने टिकट बुक करा लिया, बट आपको जब जाना है तो उस समय आपको बोर्डिंग स्टेशन चेंज कराना है। आप दिल्ली से कहीं और चले गए हैं, आप दो चार स्टेशन दिल्ली से आगे चले गए, आपको वहाँ से ट्रेन पकड़ना है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन में एक फैसिलिटी मिलती है बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का। आप जर्नी स्टार्ट होने के पहले भी जो है बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ऑफलाइन में बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको उसी स्टेशन से टिकट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप एक स्टेशन आगे से जो है ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्योंकि स्टेशन रेलवे का भी रूल है कि आप एक या दो स्टेशन छोड़ के आप ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर दो स्टेशन से ज़्यादा आप ट्रेन में नहीं चढ़े तो वो क्या होता है कि वो टीटी के अंडर में चला जाता है। इसके बाद टीटी उस टिकट से जो चाहे वो कर सकते हैं, उस समय जो है आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन में अगर टिकट लेते हैं तो आप ऑनलाइन का टिकट को जो है बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप उस दिन दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, आप दिल्ली से दो चार स्टेशन आगे चले गए हैं, तो आप बिल्कुल बोर्डिंग स्टेशन को जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ऑफलाइन में इस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि ऑफलाइन में जो है बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। हाँ तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग पांचवा टॉपिक बात करते हैं। दोस्तों पांचवा टॉपिक है ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट का। जैसे आप जब ऑफलाइन स्टेशन से टिकट लेते हैं तो आपको जो एक टिकट मिलती है, उस टिकट को लेके जो है आपको ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। मान लीजिए जिस दिन आपको यात्रा करनी है उस दिन जो है आपको उस टिकट को लेकर ही ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो ऑनलाइन टिकट जो है पीडीएफ के थ्रू आता है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आप उसका प्रूफ निकाल के पेपर में निकाल के ले जा सकते हैं तो ले जाइए, नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि टीटी जो है आपको सिर्फ नाम पूछते हैं, कभी कभी वो आपके प्रूफ मांग लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके पास है आप उस चीज़ को जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर टिकट दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑफलाइन में अगर आपने टिकट बुकिंग कराया है, आपने प्लेटफॉर्म पर टिकट लिया है, तो उस टिकट को जो आपको टीटी को दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप उस समय बोलते हैं कि मैंने टिकट लेकर ट्रेन में नहीं आया है, तो उस समय जो है टीटी आपसे फाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि उस टिकट का जो है बहुत लोग मिसयूज करते हैं, इसलिए रेलवे की तरफ से जो है ये रूल बनाई गई है कि आप ऑफलाइन का टिकट लेके ही ट्रेन में चढ़िए, बिना ऑफलाइन टिकट लेके आप ट्रेन में नहीं जा सकते। लेकिन अगर ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन में आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना टिकट के सिर्फ एक प्रूफ लेके भी जो है ट्रेन में चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये चार पांच जो है टॉपिक है, ये चार पांच जो है डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में टिकट बुकिंग कराने का। तो दोस्तों सब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऑनलाइन में ज़्यादा बेस्ट रहेगा टिकट लेना या ऑफलाइन में। मान लीजिए अगर आपको वेटिंग टिकट मिल रहा है और आपको उस दिन जाना बिल्कुल जरूरी है, तो आप जो है जाके ऑफलाइन में टिकट बुकिंग कराइए, आप ऑनलाइन में टिकट मत लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में टिकट लीजिएगा वो टिकट जो है कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए जो है ऑफलाइन में टिकट लीजिए, उस डेट को जो आप जर्नी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बात, अगर मान लीजिए आपने अगस्त से सितंबर में टिकट बुकिंग कराया है, आप सोच रहे हैं कि मैं हो सके उस डेट में नहीं जाऊँगा, आपको डेट चेंज करने की नौबत आ सकती है, आप डेट चेंज करा सकते हैं, तो उस समय जो है आप जो है जाके जो है ऑफलाइन में टिकट बुकिंग कराइए। ऑफलाइन में टिकट बुकिंग कराने से क्या होगा कि आप जो है मान लीजिए अगर डेट आपको चेंज कराना होगा तो आप जो है तत्काल में जाके जो है डेट चेंज करा सकते हैं। उस समय आपको स्टेशन पे जो है डेट एक्सटेंड करा लीजिएगा, आप उस ट्रेन में जो है तुरंत जा सकते हैं, उस समय आपको टिकट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में टिकट लेते हैं तो आपको उस टिकट को जो है कैंसिल कराने की जरूरत पड़ेगी। बाकी दोस्तों देखिए, ऑनलाइन में टिकट लीजिए या ऑफलाइन में टिकट लीजिए, दोनों बराबर होती है, कहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस डिफरेंस क्या है कि आप उस समय देख लीजिए कि मुझे कौन सा ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफलाइन अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके नज़दीक में स्टेशन है, तो आप तुरंत जाइए ऑफलाइन में टिकट बुकिंग करा लीजिए। लेकिन आपके घर से बहुत दूर स्टेशन है तब जाके जो है आप लोग ऑनलाइन में टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन की आईडी कैसे बनाते हैं, IRCTC की आईडी कैसे बनाते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। IRCTC आप ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, AC में कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, स्लीपर में कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी जो है मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है। आप जो है प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, IRCTC का प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, उसमें सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेगी, आप लोग जो है उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप लोग के प्यार और मोहब्बत देखते हुए जो हम लोग के चैनल पर लगभग 1200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों जल्दी से जल्दी जो है 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मेरा और मनोबल बढ़े आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही,
अगर आपको किसी भी प्रकार के वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां भी रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।